एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत के किसानों से जुड़े विवादित बयान ने सियासी बवाल मचा दिया है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। इंटरव्यू के दौरान जब कंगना से सवाल पूछा गया, जैसे हालात बांग्लादेश में आज हैं, क्या हमारे देश में भी ऐसे हालात बन सकते हैं, इस पर कंगना ने कहा कि आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सब ने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वॉयलेंस फैलाया गया, वहाँ रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी, उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना कुछ भी हो सकता था। इस इंटरव्यू के बाद पंजाब के कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कहा, कंगना लगातार किसानों पर ऐसे बयान दे रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उन पर NSA लगाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि कंगना रनौत रोज पंजाब के नेताओं के खिलाफ जहर उगलती है। उन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, देश के किसानों को गाली दी, वे ये सब किसकी सह पर बोल रही हैं? भाजपा इसके खिलाफ सफाई दे। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करता हूं कि FIR दर्ज की जाए, इनके खिलाफ राष्ट्र सुरक्षा कानून के तहत एक्शन हो और उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाए। वहीं कंगना के बयान पर विवाद बढ़ता देखकर भाजपा ने कहा कि यह कंगना के अपने विचार हैं और पार्टी इससे सहमत नहीं है। चिट्ठी में ये भी लिखा गया कि कंगना को आगे ऐसे बयान ना देने की हिदायत दी गई है। वहीं आगे जब कंगना से पूछा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उस पर फिल्म इंडस्ट्री क्यों चुप है, तो कंगना ने कहा कि दरअसल इन लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं है, ये सब अपनी धुन में सवार रहते हैं, सुबह से मेकअप करके बैठ जाते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, इनको लगता है कि अपना काम चलता रहे, देश जाए भाड़ में। हालांकि ये भूल जाते हैं कि अगर देश को कुछ हुआ तो नुकसान इन्हें भी उतना ही होगा। वहीं कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप केस में कंगना ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा मेरे लिए हमेशा एक चिंताजनक विषय रहा है, मैं इसे लेकर काफी गंभीर हूँ, मेरी जितनी हैसियत है मैंने हमेशा महिलाओं के सपोर्ट में आवाज बुलंद की है। वैसे कंगना के इस विवादित बयान के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।